मेरे पीछे आपको वो एक हिरण जिसे हम मृग कह सकते हैं वो हमारी तरफ ही आ रहा है, लेकिन वो बड़ा चौकन्ना है, चला जाएगा। अभी वो कुछ चल रहा है, वो दिखाई दे रहा होगा। इस समय हम ताल छाप पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि वन्य प्राणियों के लिए आरक्षित है और कई सौ एकड़ में ये फैली हुई है। उस जगह पर है, इस बाढ़ के उस तरफ खूब सारे हिरण हैं, जिनमें से काले हिरण जो ज़्यादातर आपको डिस्कवरी चैनल या दूसरे चैनल ज्योग्राफिकल चैनल पे देखने को मिले होंगे, वो हिरण यहाँ पर देखे जा सकते हैं। दूसरी चीज़, ये हिरण किधर ही आ रहा है, ये देखिए, ये बिल्कुल इस तरह के बहुत सारे हिरण और हजारों हजार हिरण हैं, उनका ये सुरक्षित शरणगाह है इस साइड। और यहाँ पर दूसरे जानवर भी है, लेकिन ज़्यादातर जो ये फेमस है ये काले हिरणों और इन हिरणों के लिए ही फेमस है। ये देखिए बिल्कुल पास आता जा रहा है, क्योंकि ये हैबिचुअल हो गए इंसानों के साथ रह के कुछ हिरण। और यहाँ जाल के बहुत बड़े पेड़ हैं, ये इस साइड देखिए, अभी तो ये हिरण हमारे बिल्कुल पास आ गया, ये एक सुनहरी मौका है, हम इसको खोना नहीं चाहते। तो ये जो बिल्कुल पास आ गया, मैं थोड़ी देर एक बार बोलना बंद करूँगा क्योंकि हम इसको शूट कर लेते हैं। ये बड़ा रेयर चांस है कि कोई हिरण आपके इतना नज़दीक आता है, ये क्योंकि आदमियों के साथ इंसानों के साथ हैबिचुअल हो गया, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इंसानों की उपस्थिति से, इसलिए ये यहाँ बिल्कुल पास से गुज़र गया है। दूसरी चीज़, अभी भी ये यहीं सड़क के पास है और ये शायद ये पेड़ जाल की एक प्रजाति का ही पेड़ है, उसके नीचे ये चल रहा है। और यहाँ देखेंगे आप बहुत बड़े बड़े जाल के पेड़ हैं, जैसे एक पेड़ हमारे ये बिल्कुल पीछे है, ये देखिए, इससे भी घने गहरे जाल के पेड़ हैं। अभी इसकी पत्तियां झड़ चुकी है और कैर के पेड़ बहुत ज़्यादा है। कैर के पेड़ों के बीच में जो जगह है, और देखिए वो जाल के पेड़ों के बीच में जगह है, ये एकदम सुरक्षित गर्मी में और दूसरे मौसम में और दूसरे जानवरों से सुरक्षित शरणगाह है इन प्राणियों की। और ये अगला वीडियो जब आएगा हम आपको अंदर से दिखाएंगे। अभी हिरण यही है, देख सकते हैं कि इस तरह के हजारों हजार, इसको डार कहते हैं, हिरणों की डार, हिरणों की डार की डार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जिनमें काले हिरण बहुत ही खूबसूरत, वैसे हिरण तो वन्य प्राणी है खूबसूरत होता है, लेकिन जो काले हिरण हैं आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और सड़क पर यदा कदा पार करते हुए हिरण और मोर आपको बहुत ज़्यादा दिख जाएंगे। और ये बहुत ही शानदार जगह है, अभी भी हिरण यहाँ से जा नहीं रहा है, देखिए इतना मस्ती से ये घास चल रहा, और हमारी प्रेजेंस भी इसको कोई खास तकलीफ नहीं दे रही है, क्योंकि ये इंसानों में रहने के आदि हो चुके हैं। बहुत सारे जानवर हैं इधर, जैसे रेंगने वाले जानवर हैं, गो मिल जाएगी यहाँ पर आपको, और गो की कई वैरायटियां हैं, आपने सुनी भी होगी, पाटड़ा गो है, बहुत बड़े साइज की होती है, चाननती गो है, पीड़ती गो है, थोड़ी सुस्त होती है भागने में, भैंस और समझ लो गाय का तरीका है, भैंस को आप पाटड़ा गो कह सकते हैं, बड़ी आराम से चलती है। इसलिए ये डेजर्ट एरिया है, सुरक्षित जगह है, हिरण अभी चल पड़ा है हमारे मोटरसाइकिलों के साथ से, ये निकल रहा है, काम हो रही है। और जब आप कई बार सर्दियों में जो माइग्रेटरी बर्ड आते हैं,
साइबेरियन साइड से या ठंडे इलाकों से जो माइग्रेटरी बर्ड आते हैं वो आपको यहाँ बहुत देखने को मिलेंगे। अभी तो नहीं, लेकिन जब सर्दियाँ आएंगी तब हम यहाँ बहुत हजारों हजारों की संख्या में यहाँ जगह जगह वो अपनी कॉलोनियों में रहते हैं। एक हिरण और आ गया है देख के उस साइड, तो मतलब बहुत ही शानदार जगह है। कौवे बहुत है इधर, आप अभी तो नहीं, थोड़ा टाइम पहले, अभी थोड़ा लेट हो गए हैं, लेकिन कौवे यहाँ बहुत हैं। कौवे आपको, पैरट, हर आप पक्षी, दुर्लभ पक्षी, स्विफ्ट एक बर्ड है चिड़िया, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। बहुत ही रेयर बर्ड है वो, कभी शायद ही दिखाई दे, लेकिन वो लकीली दिखाई दे जाएगी। पिछला वीडियो हमने स्विफ्ट बर्ड का ही लगाया है। तो ये हिरण बिल्कुल ही मतलब मनुष्य प्रेमी, जिसको शुद्ध हिंदी में कह सकते हैं, वह है।